दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ बढ़ा व्यापारियों का गुस्सा, विरोध में आज बंद रखेंगे कारोबार। राजधानी के 7 लाख दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, घर लौटते समय 5 लोगों ने बनाया निशाना, अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं। चीन ने की भारत की तारीफ, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कई मामलों में चीन से आगे है भारत, इंडिया से सीखने की जरूरत। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन अगले महीने करेंगी चीन का दौरा। दिल्ली में आज 17 विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी की बैठक, ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, 2019 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा, सूत्रों के मुताबिक एनआईए को मिले बड़े साजिश के सबूत, छापेमारी में जेल से मिले जिहादी लिटरेचर और पाकिस्तानी फ्लैग्स। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य को निजी मुचलके पर जमानत, एक ऑटो रिक्शा को कार से मारी थी टक्कर, हादसे में जख्मी महिला की हालत गंभीर।